देश की जनता पूछ रही, कहां है ऑक्सीजन, किसे मिली ऑक्सीजन, कौन चुरा ले गया ऑक्सीजन, किसने लूट लिया ऑक्सीजन, मरीजों को नहीं मिली तो कहां गई। फिलहाल हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। आप आरएमएल हॉस्पिटल की आपातकालीन जो द्वार है यहां पर आप देख रहे हैं, और साथ में एक बोर्ड लगा हुआ है, यहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन बेड 0, आईसीयू बेड 0। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहां पर एनी टाइम जो है कोरोना के जो पेशेंट यहां लगातार इतने आ रहे हैं कि कोई बेड खाली नहीं है। यहां पर जो सूचनाएं दी गई है वो साफ तौर से यह जाहिर होता है कि किसी भी प्रकार से ये कोरोना का कहर कम नहीं हुआ, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक दो जगह ऑक्सीजन मिल भी रही है तो हाल दिल्ली के मंडावली में रिफिलिंग सेंटर के बाहर लगी लंबी लाइन जैसा है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है। तमाम जहां पर रिफिलिंग होता है या फिर जहां पर ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वहां पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे लोग हैं जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल ने कह दिया जब आप ऑक्सीजन लाएंगे तो ही आप पेशेंट का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर आप कहीं से भी ऑक्सीजन लेंगे तो 5 से 6 घंटे लगते हैं लाइन में, तब तक बंदा मर जाएगा। भाई दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कल तक तो 1100 में भर रहे थे, आज 4 से 5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हाँ जी, इस सिलेंडर का जो है, इस सिलेंडर का 4000 रुपये मांगा है इन्होंने। ऊपर से धमकी और दे रहे हैं, कह रहे भरवाना है भरवाओ, नहीं भरवाना है वापसी ले जाओ। अभी वहाँ पर देख रहे भरे चले जा रहे, तब तो कुछ नहीं हो रहा। हम भी यार लाइन में खड़े हुए हैं, ना आ गया ना पीछे गए, फिर भी इन लोगों की हालत हो रखी है। इतनी मारा मारी है कि मरीजों तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से लोगों की तड़पते हुए मौत हो रही है। लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद अमानवीय है। भिंड से आई तस्वीर इस बात की पोल खोलती है कि कैसे संवेदनाएं मर चुकी हैं। एक गर्भवती महिला की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई, जिसके बाद उसका शव शमशान घाट तक अस्पताल ने पहुंचा दिया और कर्मचारी छोड़कर चले गए। शव कई घंटे तक पड़ा रहा, ना तो अंतिम संस्कार हुआ और ना ही किसी परिवार वाले को खबर की गई। काफी देर बाद मीडिया पहुंची तो प्रशासन हरकत में आया। अब समझिए हालात कितने भयावह हो चुके हैं। देश में 15 से 24 अप्रैल के बीच यानी 9 दिनों में ही मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 67% बढ़ गई। इतना ही नहीं, जहां पहले सिर्फ 12 राज्यों को ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो वहीं अब केंद्र से ऑक्सीजन मांगने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इन राज्यों ने कुल मिलाकर 4880 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन मांगी थी और उसी के हिसाब से आवंटन भी किया गया था। सबसे ज्यादा डिमांड वाले 12 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं। अब 22 राज्यों में कुल 8172 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई है, जो कि 15 अप्रैल की तुलना में 67% ज्यादा है। इन 22 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्हें मांग से ज्यादा ऑक्सीजन आवंटित किया गया, तो वहीं 4 ऐसे हैं जिन्हें मांग से कम ऑक्सीजन मिली। 14 राज्य ऐसे हैं जिन्हें मांग के हिसाब से ऑक्सीजन दी गई। 25 अप्रैल से जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग है वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, विदेश से क्रायोजेनिक टैंकर भी मंगाए गए हैं, जल्द डिलीवरी के लिए एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल कर रही है। इतना सब हो रहा है लेकिन कोरोना काबू में नहीं है। दरअसल ये तैयारी अगर वक्त रहते कर ली गई होती तो तबाही इतनी रौद्र ना होती। जी हाँ, कुछ तैयारियां पहले अगर कर ली गई होती तो आज स्थिति ये ना होती, लेकिन आज जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी भी जवाबदेही बनती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वस्थ हिंदुस्तान का जो अभियान चल रहा है उसमें अपना सहयोग जरूर दें। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का फॉर अलॉट।